कैंडिडेटे बेकार है, इसको बेकार है मोदी जी टिकटो दे दिए हैं। इसको 5 बार मोकामा की जनता लतिया के भगाई है कि बार बार ही हार रहा है, तभी बार बार ही टिकट लेके खड़े हो जाता है। तो उम्मीद है ना मोदी जी को, नहीं समझते आप महाराज? उम्मीद क्या है, उम्मीद अब एगो कुत्ता कर लेंगे तो क्या शेर बन जाएगा क्या? शेर का सामना शेर लाइट लाते तो एगो अलग बात है, कुत्ता को ला दिए कभी टिकेगा उसके सामने? अनंत सिंह के सामने कभी नहीं टिकेगा। क्या बात कर रहे हैं आप, कभी नहीं टिकेगा। ऐसा ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा वो बच्चे इतनी होगा जी, वो तो विधानसभा पहुँचबे करेगा ना। अरे विधानसभा क्या पहुँचेगा, हाँ। विधानसभा लायक ही रहेगा तब तो? काहे नहीं है, अगर वो रहता तो उसको पहले बार में जनता जीता देती। 38,000 वोट से पिछले बार भी 2015 में भी हारा है। अच्छा, ये बार बार ही तो अनंत सिंह का नाम ले लेके टिकट मिल गया इसको, इसको ये टिकट लेने लायक है। अच्छा। राजद उम्मीदवार 7 पार्टियों की संगठन है, यह महागठबंधन की सरकार है। अच्छा। और इस महागठबंधन की सरकार में 70,000 धानुक है। अच्छा। जो समीकरण में आता है, हाँ। जादवों की संख्या है, धानुक लोग जिधर जाएंगे उधर हो जाएगा। नीतीश कुमार के जात है, लालू यादव के जात है इनके साथ, इनका पॉपुलेशन जो समीकरण जो है समुदाय का, वह सब लालटेन की बत्ती पर जाएगी। माँ विधानसभा को योगी मोदी अब कलमल छापने जानता, मतलब मोदी फैक्टर नहीं चलेगा, नहीं जानता है, केवल अनंत फैक्टर को मुकाबला लालटेन चलेगा जी, लालटेन चलेगा। राजनीतिक मुद्दों पे जब बात करनी होती है तो राजनीतिक पंडितों से बात कर लेनी चाहिए, अगर वे लोग कह देते हैं तो उसका लगभग 80% बात माना जाता है, क्योंकि उनके पास राजनीतिक समझ होती है। चाचा है मोकामा से है, मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, अनंत सिंह और ललन सिंह दो प्रत्याशी है कद्दावर, इन दोनों की बीवी पत्नी इनकी चुनाव लड़ रही है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में है, और ये चाचा से जानेंगे। चाचा, राजनीतिक समझ आपके पास बहुत है, काहे कि ऑफ कैमरा जब हम आपसे बतिया रहे थे तो आप कह रहे थे कि पूरा चीज बताएंगे बारीकी से, थोड़ा सा बताइए हमको कि का है राजनीतिक समझ, यहाँ 5 कारण का हुआ कि अनंत सिंह जीत जाएंगे और ललन सिंह हार जाएंगे, 5 क्या कारण? पहला कारण है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के द मोस्ट पॉपुलर लीडर अनंत सिंह हैं। अच्छा। और उनके जेल चले जाने के बाद उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी हुई है और वह चुनाव लड़ रही है। अच्छा। राजद उम्मीदवार से, राजद उम्मीदवार 7 पार्टियों की संगठन है, यह महागठबंधन की सरकार है। अच्छा। और इस महागठबंधन की सरकार में 70,000 धानुक है। अच्छा। जो समीकरण में आता है, हाँ। जादवों की संख्या है, धानुक लोग जिधर जाएंगे उधर हो जाएगा। नीतीश कुमार के जात हैं। अच्छा। लालू यादव के जात हैं इनके साथ, हाँ। इनका पॉपुलेशन जो समीकरण जो है, हाँ। समुदाय का, हाँ। वह सब लालटेन की बत्ती पर जाएगी, लालटेन को दबाएगी वो बॉटम को, क्योंकि पूरे समुदाय की समीकरण होती है बिहार में, कास्ट फॉर वोट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में जब भी चुनाव की बात होती है तो जाति की बात जरूर होती है कि यहाँ पे अगर टिकट देना है तो किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, किसका किस जाति में पकड़, ये सब तो बात होती है। दूसरा कारण बताइए चाचा। दूसरा कारण है कि यह जो है सो जो भी क्षेत्र के जनता गरीब हो चाहे अमीर हो जाते हैं, उनको सिर्फ जानते हैं कोई एक वोट देता है, वो किसी से कम नहीं है। अच्छा। इसलिए सभी को समान अवसर देते हैं और सभी को बैठाते हैं, गिलास पानी देते हैं, भोजन देते हैं और संतोषजनक बात होता है उनसे, उनके कार्य को देखते हैं, होने का रहता है तो कहते हैं कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा, मुंह पर बोल देते हैं, हां हमरा से हो तो करम ना हो तो ना करम, इसलिए जनता इनसे खुश है कि बरगलाते नहीं है। तो बुजुर्ग आदमी से ज्ञान ले लिए, अब ज्ञान लेना चाहिए कि नौयुवा जो हमारे देश के 75% आबादी है युवाओं की, युवा से पूछते हैं भाई साहब क्या कहिएगा, क्या मुद्दा होगा कि चुनाव जीत जाएंगे? अरे कैंडिडेटे बेकार है, इसको बेकार है मोदी जी टिकटो दे दिए हैं, इसको 5 बार मोकामा की जनता लतिया के भगाई है कि बार बार ही हार रहा है, तभी बार बार ही टिकट लेके खड़े हो जाता है। उम्मीद है ना मोदी जी को, नहीं समझते आप महाराज? उम्मीद क्या है, उम्मीद अब एगो कुत्ता कर लेंगे तो क्या शेर बन जाएगा क्या? शेर का सामना शेर लाइट लाते तो एगो अलग बात है, कुत्ता को ला दिए कभी टिकेगा उसके सामने? अनंत सिंह के सामने कभी नहीं टिकेगा। क्या बात कर रहे हैं आप, कभी नहीं टिकेगा। ऐसा ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा वो बच्चे इतनी होगा जी, वो तो विधानसभा पहुँचबे करेगा ना। अरे विधानसभा क्या पहुँचेगा, हाँ। विधानसभा लायक ही रहेगा तब तो? काहे नहीं है, अगर वो रहता तो उसको पहले बार में जनता जिता देती। 38,000 वोट से पिछले बार भी 2015 में भी हारा है। अच्छा। ये बार बार ही तो अनंत सिंह का नाम ले लेके टिकट मिल गया इसको, इसको ये टिकट लेने लायक है। अच्छा, चलिए भाई साहब बड़ी कड़वा जवाब दे रहे हैं, बाकी एगो चाचा है चोंगा लिए हैं आज प्रचार कर रहे हैं, बताइए जी क्या कहिएगा? आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछ रहे हैं यहीं कि 6 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के बारे में आपको क्या कहना है, कौन जीतेगा? वो विरोधी पक्ष जो है, हाँ। जो नरेंद्र मोदी को, हाँ। और
अमित शाह जो मोकामा में भेजे हैं उनकी जमानत जब्त होने जा रहा है। अच्छा, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल। मोदी जी के खारा पर नहीं उतरेंगे, मतलब जो विश्वास के उस पर खारा नहीं उतरेगा ना? मोकामा विधानसभा को योदी मोदी अब कलमा छापने जानता, मतलब मोदी फैक्टर नहीं चलेगा, नहीं जानता है, केवल अनंत फैक्टर को मोकामा लालटेन चलेगा जी, लालटेन चलेगा। चलिए, तो ये बाबा भी हो गए, युवा भी हो गए, और आ जाते हैं यहाँ महिलाओं से पूछ लेते हैं। बताइए चाची, केकरा वोट दीजिएगा? हमरा नहीं वोट हो, वोट ना हो, काहे हो, इतना उम्र हो गेलो, वोट हेरा गेल, वोट हेरा गेलो जा, चाची के तो वोटर आईडी कार्ड हेरा गेलो, आधार कार्ड से वोट दिया जाता है अब, आधार कार्ड तो। चलिए, बाकी यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, आ जाइएगा इधर, आपका भी वोटर ना है। चलिए ठीक है, इतना लोग से बात कर लिए और आपको वीडियो से समझ में आ जाएगा कि कौन जीतेगा।